दोस्तों नमस्कार मैं हूं बी सिंह फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आई एंड मेडीजी ग्रुप आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन मानसून एंड क्लाइमेट की अगर हमें इंडियन मानसून को समझना है तो कुछ वर्ल्ड के क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को समझना जरूरी है इन क्लाइमेटिक पैरामीटर्स में जो मेन मेन ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे बेसिकली जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में मेनली तीन पैरामीटर्स को देखा जाता है वन इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर सेकेंड इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड थर्ड इज वेरिएशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन अगर हम इन तीनों को देखें कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो दैट इज प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन वैसे तो कई तरह का होता है हम देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन के जो फॉर्म्स हैं उसमें रेन है राइट देन वी हैव द द्रिजिल रेन एंड ड्रिजिल बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्मेट देन वी हैव इन स्नो स्लीट देन फ्रीजिंग रेन जिसको हम ग्लेज कहते हैं एंड फाइनली वी हैव हेल जो कि लंब साइड पे होते हैं तो अभी हम बात करते हैं कि क्लाइमेट वेन आई से दिस इज क्लाइमेट अभी अभी मैंने जैसे बताया कि वट आर दी पैरामीटर्स तो मेन पैरामीटर्स जो क्लाइमेट के हैं वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं पैरामीटर्स में हम देखें तो पहला मैंने बताया था टेम्परेचर वेन वी से टेम्परेचर तो टेम्परेचर में मेनली दोनों चीजें देखना है वी हैव टू सी एयर टेम्परेचर एंड वी हैव टू सी वाटर टेम्परेचर राइट बोथ ऑफ दीज द सेकेंड पैरामीटर विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज प्रेशर राइट सो द प्रेशर, द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर अराउंड वर्ल्ड और इन ए क्लाइमेटिक रीजन कैसा होगा प्रेशर टेम्परेचर आर वेरी मच इंटर रिलेटेड एंड द थर्ड इज टेशन वेन आई से प्रेसिपिटेशन एज आई टोल्ड प्रेसिपिटेशन कैन बी इन टू फॉर्म आई दर इन दिक्विडिड फॉर्म सो प्रेसिपिटेशन को अगर हम देखें तो यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रेसिपिटेशन दिस कैन बी रेन राइट रेन इज द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देर कैन बी ड्रिजिल Drizzle and rain both are in the liquid format, and the only difference is in terms of their speed of fall and also in the size of the drop of liquid. Then we can see the next is snow. Snow is a very common format of the precipitation in the colder areas where the temperature is freezing. Then we have the sleet, another form of the snow, and third is nothing but glaze. ग्लेज इज ऑफन नोन एज फ्रीजिंग रेन दिस ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग रेन राइट फ्रीजिंग रेन एंड द लास्ट इज नथिंग बट हेल हेल इज ऑफन सीन ड्यूरिंग द समर एंड इन स्टॉम्स देयर आर लंप्स ऑफ आइस विच आर फॉलिंग एंड दैट में हैव ए वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द क्रॉप तो इनमें से अगर हम देखें तो ये दोनों These both of these are nothing but the liquid form right and the remaining are in the these four are in solid form so this is in solid form or semi-solid form something like that now if just i want to show you what is the difference between rain drizzle sleet and glaze then we can just understand these four is snow because commonly here the rain has a normally a size of water drop which is more than 0 0.5 mm, right? And this will have definitely the size less than 0 0.5 mm. This has the size less than 0 0.5 mm. When I say ki size less than 0 0.5 mm, then another thing is that ki the speed of fall, the size of uh, rain falls speedily and drizzle is slowly. Something you can think of running. एंड वॉकिंग रनिंग इज लाइक रेन वॉकिंग इज लाइक ड्रिजिल तो ड्रिजिल का जो टोटल अमाउंट ऑफ फॉल ऑफ वाटर है दैट इज वेरी लेस राइट जबकि रेन है सब्सटेंशियल फॉल ऑफ वाटर एंड इफ रेन लास्ट फॉर हाफ एन आवर और वन आवर और फ्यू आवर्स इट मिल है वाटर एंड लॉड ऑफ वाटर विच इज ड्रेनिंग आउट एंड गोइंग एंड पासिंग थ्रू द ड्रेन जबकि ड्रेजिल की जो रेनफॉल है हो सकता है द रेनफॉल इंटेंसिटी और दिजल फॉल इंटेंसिटी में बी लेस देन कैपेसिटी ऑफ दॉयल टू एब्जॉर्ब दी वाटर तो इतना वाटर तो कई बार सॉइल एब्जॉर्ब करती जाती है और देयर में नॉट बी सरफेस फ्लो एंड स्नो स्लीट, ग्लेज हेल नॉर्मली ये कब होते हैं कैसे होते हैं इनको अगर हमें समझना है वन डिस्कशन हियर आई कैन शो यू कम हियर राइट आपको अगर रेन स्नो और स्लीट को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एनवायरमेंटल कंडीशन और दी दटमोस्फिरिक कंडीशन नॉर्मली क्या होता है कि इफ द टेम्परेचर फॉल्स फ्रीजिंग इन दोस्फियर इफ द टेम्परेचर फॉल्स फ्रीजिंग विच इज बिलो डिग्री सेंटीग्रेड देन वट एवर वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द्लाउड्स दोज वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इन टू आइस क्रिस्टल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ

इस पार्टिकल्स विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो तो स्नो जब भी प्रेसिपिटेट होगा जैसे कि हमने देखा है हमारे हिमालयन रीजन में स्नो फॉल होता है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कनाडा में बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में ड्यूरिंग द विंटर स्नो फॉल होता है इन दोज एरियाज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर फॉल्स बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड थ्रू आउट द इनवायरमेंट द टेम्परेचर रिमेन्स फ्रीजिंग तब ये स्नो प्रेसिपिटेशन होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपर एटमोस्फेर एक पार्ट में जहां पर क्लाउड प्रेजेंस है वहां तो टेम्परेचर निगेटिव है बट उसके बाद फिर पॉजिटिव टेम्परेचर हैचर तो जैसे ही वो आइस फॉर्म में जो क्रिस्टल्स हैं वो जैसे ही हाई टेम्परेचर में आएंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे तो पहले तो स्नो पार्टिकल थे लेकिन फिर वो मेल्ट होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगर फिर नीचे का टेम्परेचर इफ अगेन क्लोज टू दी सरफेस ऑफ ग्राउंड अगेन द टेम्परेचर हैज बिकम नेगेटिव तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस कन्वर्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ द आइस तो ये आइस पैलेट्स बन जाएंगे और ये जो आइस पैलेट्स हैं इन्हीं को हम स्लीट कहते हैं छोटे छोटे आइस पैलेट्स पर जमीन में गिरते हैं आप देखेंगे कि जब वो अगर किसी हार्ड सरफेस में आइस पैलेट्स गिरते हैं तो वो बाउंस भी करते हैं मे बी फ्यू एम एम फ्यू सेंटीमीटर तो ये आइस पैलेट्स होंगे स्पेशली आप देखेंगे कि विंटर में ऐसा होता है फिर थर्ड कैटेगरी होती है ग्लेज ग्लेज को हम कहते हैं दैट इज फ्रीजिंग रेन अगर टेम्परेचर ग्राउंड पर बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है अगर यह वाटर ड्रॉपलेट फॉल हुई लेकिन ग्राउंड का टेम्परेचर बिलो जीरोग्री सेंटीग्रेड है तो जैसे यह वाटर ड्रॉपलेट इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा या जो भी आपके ग्राउंड में सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग रेन या फिर आइस या फिर ग्लेज तो ये जो ग्लेज होता है दिस हैज अ वेरी सॉलिड काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी वाटर कन्वर्ट्स इन टू दॉलिड आइस एंड दिस इज क्वाइट हार्ड तो ग्लेज हो गया और फिर फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है नथिंग बट हेल तो हेल इज समथिंग इन दम्स खास करके समर में वेन देअ आर द स्टॉम्स इन द समर लाइटनिंग थंडरिंग होती है करेंट्स आर मूविंग अप एंड डाउन इन द अपर पार्ट ऑफ दी यू कैन आवर क्लाउड आवर प्रॉपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर जहां पर क्लाउड फॉर्म होते हैं वहां पर वो बड़े बड़े लम्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दोज स्टार्ट फॉलिंग और नीचे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई रहता, रहता है लेकिन बड़े आइस uh, के जो बड़े लम्ब्स बनने की वजह से वो नीचे तक बने रहते हैं एंड दे फॉल डाउन इन दर्फेस कई बार हमने इंडिया में देखते हैं ड्यूरिंग दी समर और ड्यूरिंग दी स्प्रिंग टाइम और ड्यूरिंग क्रॉप्स तो आज हम देखते हैं इन चीजों को जब मैं अभी आपको समझा रहा था इसको चलो मैं आपको थोड़ा एनिमेटेड फॉर्मेट में आपको यहां पे बताता हूं कि वेन वी सी दंडीशन ऑफ द आइस हेल्स स्टॉम्स एंड थिंग्स तो आप इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यहां पर देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर कि इफ किफ दिस इज क्लाउड लेबल राइट इफ आई कीप ऑन राइटिंग हियर दिस इज द्लाउड लेबल हियर इज द क्लाउड एंड दिस क्लाउड हियर इज दिस इज क्लाउड राइट यहां पर तो टेम्परेचर इस पूरे जोन में टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर है सो so द blue color which you see is a cold air this is the freezing temperature right if this freezing temperature blue color remains right from the cloud to the ground surface तो ये आइस क्रिस्टल्स फॉल होंगे दीज आर नथिंग बट आइस क्रिस्टल्स दीज आइस क्रिस्टल्स आर फ्लेकी फ्लेकी जब होंगे तो डेंसिटी बहुत कम होगी रेन वाटर की डेंसिटी वाटर हैज अराउंड वन ग्राम पर सीसी डेंसिटी बट जो आइस क्रिस्टल्स फॉल होते हैं इस आइस क्रिस्टल्स की जो स्नो की क्रिस्टल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है मे बी वन टेंथ ऑफ दी वाटर तो डेंसिटी कम होती है दी फॉल डाउन ऑन दी सरफेस और ये सर्फेस पर डिपॉजिट होते जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टाइप का ये डिपॉजिट होता है एंड दैट Is but the snow तो ध्यान रखिए बिकॉजरेचर ग्राउंड पर भी निगेटिव है इसकी मेल्टिंग नहीं होता अब सेकेंड हम देखते हैं फ्लीट देखो ऊपर टेम्परेचर यहां पर निगेटिव टेम्परेचर ब्लू कलर विच यू सीज निगेटिव टेम्परेचर दिस रेडिस कलर यू सी इज अ वार्म एयर दिस इज अ वार्म एयर एंड दिस एयर मीन्स द टेम्परेचर इज पॉजिटिव हिस्सर मोर देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड मे बी फाइव डिग्री टेन डिग्री फिफ्टीन डिग्री फिर उसके बाद फिर निगेटिव टेम्परेचर है तो ये आइस क्रिस्टल होंगे बिकॉज दिस इज द निगेटिव टेम्परेचर और एज सुन एज इट कम्स इन दॉन्टेक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है मेल्ट हो जाता है सो अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बट जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर में आती हैं अगेन दी कन्वर्ट इनटू टू दी लम्ब्स ऑफ आइस तो आप यहां पर देखोगे ये लम्ब्स ऑफ आइस ये इस तरह से पैलेट्स की तरह राइट छोटे छोटे लम्बस बन जाते हैं दीज आर स्मॉल पैलेट्स राइट तो दीज आर दी लम्ब्स ऑफ वाटर एंड दीज फॉल डाउन ऑन टू दर्फेस ये थोड़ा इसको कहते हैं स्लीट सो दिस इज बेसिकली द स्लीट विच इज नथिंग बट पैलेट्स टाइप और जब ये हार्ड सरफेस पे गिरते हैं जैसे रोड पे देखें या फिर आप किसी आप अपने रूफ पर देखेंगे तो दी फॉल डाउन एंड देन जंप फॉर ए फ्यू एम एम और फ्यू सेंटीमीटर एंड सो ऑन सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन थर्ड हम लोग जब बात करते हैं यहीं पर आगे थोड़ा अगर चलते हैं सो वी कैन सी द थर्ड कंडीशन इज कि देयर इज ए फ्रीजिंग टेम्परेचर एट द टॉप

जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है वाटर गेट्स फ्रोजन तो दिस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड आइस क्योंकि ये यहीं पर कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया और उसके ऊपर एक सॉलिड आइस की लेयर जम जाती है सो दिस है कम डेंसिटी स्नो की है उसके बाद फिर फ्लिट की है फिर इसके बाद और ज्यादा डेंसिटी ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि अगर ये किसी सरफेस में जम जाता है तो और उसमें एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है अगर क्रॉप में जम गया तो क्रॉप को डाई कर देगा क्रॉप ना इसी को कहते हैं कि जैसे क्रॉप को पाला लग गया तुषार लग गया तो इस तरह से ये ग्लेज हो जाता है और हम यहां देखते हैं रेन राइट अगर ये लगातार हाई टेम्परेचर नीचे बना हुआ भले ऊपर वो आइस के फॉर्मेट में था या क्रिस्टल के फॉर्मेट में था या स्नो के फॉर्मेट में था जैसे जैसे नीचे आया वो लिक्विड हो गया और लिक्विड रेन फॉल्स ये विंटर में कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं लेकिन अगर लेकिन अगर अगर ये आइस के क्रिस्टल्स बड़े हो गए बहुत बड़े बड़े हो गए मान लीजिए कि यहां पर थोड़ा टर्बुलेंस इस तरह जैसे स्टॉम आता है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टर्बुलेंस हो गया एंड लॉट ऑफ टर्बुलेंस हैज हैपेंड तो जैसे ही टर्बुलेंस हो जाएगा तो ये टर्बुलेंस की वजह से बहुत सारे वाटर इन विल कम इन कॉन्टेक्ट बहुत सारी ड्रॉप्स विल कम इन कॉन्टेक्ट और वो बड़े लम्ब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे दीज बिगर लम्स ऑफ में भी एम एम फाइज फोर एम एम साइज टू सेंटीमीटर साइज फोर सेंटीमीटर साइज तक के भी कन्वर्ट हो जाएंगे और इतने बड़े लम्स जब ऊपर से गिरते हैं सो दे डोंट मेल्ट कंप्लीटली ऑन दी दिस हाई हैंचर तो ये दस डिग्री बीस डिग्री या 25, 30 डिग्री टेम्परेचर भी होगा तो भी ये मेल्ट नहीं हो पाता क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा हो चुका है और जैसे ही ये बड़े साइज के लम्स अगर गिरेंगे यहां पर तो इतने बड़े बड़े यहां पर ये लम्स जिसको हम कहेंगे क्या क्रॉप्स क्रॉप्स so को कर सकते हैं अगर आप आपकी कार में भी अगर गिरते हैं बड़ा, बड़ा लंप है तो आपकी कार का शीशा भी डैमेज हो सकता है तो दिस इज अब मैं आपको इनके सभी के फॉर्मेट को प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं राइट टू मेक यू अंडरस्टैंड की व्हाट इज स्नो अब आप स्नो देखिए स्नो तो वैसे भी आप लोगों ने बहुत कई बार गए होंगे हिल हाँ, स्टेशन में एंड मैनी मनाली एंड मे बी इन उत्तराखंड ऑल्सो लाइक ऑली है तो इस तरह का स्नो फॉल होता है तो दिस इज इस स्नो प्रेसिपिटेशन स्नो प्रेसिपिटेशन का मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया था कि जब भी स्नो फॉल होगा चाहे वो किसी पेड़ पर हो इट इज ओवर ट्री और ओवर द ग्राउंड इट इज वेरी सॉफ्ट स्पंजी फ्लेकी एंड डेंसिटी इज वेरी लेस आप जब उसमें वॉक करते हैं तो यू यू फील कंफर्टेबल हाउ एवर कंफर्टेबल इन द सेंस कि बहुत हार्ड नहीं होगा बट यू कैन ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग एंड इट लुक्स नाइस सो दिस इज स्नो अब स्नो के साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें सेकेंड वन विच आई कैन डेफिनेटली शो यू द स्लीट एज आई टोल्ड कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लम्ब्स राइट लम्स तो इसलिए क्योंकि जैसे ही लम्ब्स कन्वर्ट uh, हो जाते हैं एंड दैट दीज लम्स डेफिनेटली कैन हार्म पीपल देखिए यहां पर देखिए टेम्परेचर इज बिलो जीरो देन कुछ पोर्शन के लिए टेम्परेचर पॉजिटिव हो गया फिर बिलो जीरो तो वाटर विच ड्रॉपलेट्स जो पॉजिटिव टेम्परेचर में थे जब जैसे नीचे आया अगेन लम्ब्स और जमीन पर जब वो फॉल करता है यू कैन सी हियर एंड आप यहां देखिए ये यह इतने सारे ये आइस के छोटे छोटे लम्बस दिखाई दे रहे हैं आई कैन फर्दर इंक्रीज द साइज ऑफ इच आपको हो सकता है और थोड़ा बड़ा देखने में हेल्प uh, मिलेगी तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट सो दिस इज नथिंग बट स्लीट राइट अब स्लीट के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट uh, आप वो uh, मैं आपको दिखाता हूं मे बी ग्लेज ग्लेज कई बार है आपको हो सकता है ना कभी कभी आपने देखा भी ना हो ग्लेज ग्लेज का मतलब कि फ्रोजन आइस और आप देखेंगे कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आया यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ट्री के कॉन्टेक्ट में है एंड इट ए ब्रांच ऑफ ट्री एंड इन सराउंडिंग ऑफ द ट्री देर आर दी दीज आर दी सॉलिड आइस क्रिस्टल्स दीज आर सॉलिड आइस और ये बहुत ही हार्ड होता है बड़ा सॉलिड टाइप का है और ये इस ट्री को पूरी तरह अगर कवर कर देगा तो सर्कुलेशन ऑफ एयर विल ब्लॉक एंड डेफिनेटली दिस विल हार्म क्रॉप राइट अगर ये क्रॉप में अगर हो गया अगर मान लीजिए कि यू हैव द व्हीट क्रॉप और यू हैव ग्राम और एनी काइंड ऑफ क्रॉप वहां पर अगर इस तरह का ग्लेज हो गया तो उस पर पूरा जम जाएगा उसका एयर सर्कुलेशन ब्लॉक कर देगा और उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा एंड डेफिनेटली दैट में रिजल्ट टू द डाइंग ऑफ द क्रॉप्स तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं देन आई विल सो यू दी फोर्थ फॉर्म ऑल्सो दैट इज नथिंग बट दल राइट right. तो हेल को अगर हम देखते हैं आई कैन शो यू हियर हेल ऑल्सो एंड दिस इज हेल हेल में अगर हम देखते हैं यहां पर सो आई कैन सो यू ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब रेन होती है तो बहुत सारे बड़े बड़े ओले जिसको बोलते हैं हेल इज सेम लाइक दी दीज आर हेल्स फॉलिंग एंड डेफिनेटली कॉजिंग द लॉट ऑफ डैमेज टू दी प्रॉपर्टी एंड लॉट ऑफ डैमेज टू दी क्रॉप्स स्पेशली इट इट गेट्स अफेक्टेड दिस इज दि फोर तो हम इन चारों फॉर्मेट को हम देख चुके हैं दीज आर प्रेसिपिटेशन तो क्लाइमेट की हम बात कर रहे थे इन क्लाइमेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आउट ऑफ थ्री क्या तीन पैरामीटर मैंने बताए टेम्परेचर प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन सो बेसिकली वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ दीज थ्री प्राइम पैरामीटर्स अब इन थ्री प्राइम पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन एंड अमंग दी प्रेसिपिटेशन क्या क्या मैंने बताया

i have already told you ki running and walking that is something like we can see running is the rain and walking is the uh, drizzle so drizzle may the water ka amount had the falling water may be very less and that, may, that much water might be absorbed by the soil the infiltration capacity of the soil may be good enough to absorb that drizzle amount especially in the areas where the pavement is less and it is the soft ground right तो दिस इज वट वी हैव सीन दी फोर दम अब अगर हम बात करते हैं कि वट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट सो वी विल अंडरस्टैंड दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट राइट फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट क्यों मैं ये बता रहा हूं क्योंकि फाइनली तो हमें जाना है मॉनसून पे दैट इज द इंडियन मानसून बट बिफोर वी अंडरस्टैंड इंडियन मानसून वी अफेक्ट उसमें सबसे पहला पैरामीटर है आई कैन टेक दिस वन बाई वन नंबर वन इज आई सी दिस इज दैटिट्यूडनल पॉजिशन लैटिट्यूडनल पॉजिशन लैटीट्यूडनल पॉजिशन पोजिशन well, किसी भी किसी भी प्लेस की क्लाइमेट आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं लेटर्स से यू वांट टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट ऑफ सो द वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट हाउ मच अवे डेली इज फ्रॉम इक्वेटर दैट इज दैटिट्यूडनल पोजिशन और यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर राइट इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है भूमध्य रेखा से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेस तो ये फर्स्ट है द सेकंड विच इज इंपॉर्टेंट इज द रिलीफ और टोपोग्राफी और द सेप तो सेकंड इज रिलीफ रिलीफ और टोपोग्राफी जिसको कहते हैं कि वेदर इट इज द माउंटेन और इट इज दिल और इट इज द्लेन और इट इज दी तो टोपोग्राफी राइट रिलीफ और टोपोग्राफी और इसी को हम कहते हैं साइज एंड शेप ऑफ द लैंड सो साइज एंड शेप ऑफ लैंड सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेप ऑफ लैंड सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस द थर्ड पैरामीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी एनी प्लेस Which is close to sea will have less variation of temperature during the summer and winter. But if it is away from sea and sea water is much more distant, then winter temperature will be too low and summer temperature will be too high. So, this is nothing but the distance from sea water. For distance, distance from sea water. Sea water. So, this is the next parameter which makes big impact or effect on climate of any place the next we can see is the planetary winds planetary winds wind ka flow kaisa hai matlab whether those winds are hot winds are cold winds are coming from ocean side winds are moving there is reversal or not so planetary winds are very important we that is one parameter which affects the प्लानटरी विंड इसी को हम ग्लोबल विंड पैटर्न के फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो ग्लोबल विंड पैटर्न मेक्स ए इंपैक्ट ऑन द्लाइमेट ऑफ ए प्लेस विंड पैटर्न सो दिस ने फिफ्थ पैरामीटर विच मेक्स द इम्पैक्ट ऑन दी इज दाइट एल्टीट्यूड 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 क्यों मतलब है मेरा हाइट फ्रॉम मीन से लेवल एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम मीन से लेवल हाइट अब सी लेवल राइट अगर आप देखो इंडिया में हिमालय देखो तो वेन यू मूव अप इन द हिमालय द क्लाइमेट बिकम्स कूलर एंड कूलर एंड इट मे बिकम ए फ्रिजिट जोन ऑल्सो एंड when you move from equator toward the pole then also the temperature is reducing and when you move from sea level to the height then also temperature is reducing so we have to understand so altitude or height above sea level is one important parameters which affect the climate then we have the oceanic phenomena oceanic phenomena oceanic phenomena oceanic phenomena mein kya kya hai which we have to understand. ओशियानिक फिनोमिन में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो कुछ ऐसे हैं ओशियन ओशियन के जो पैरामीटर्स है effect, उसमें ओशियन करेंट्स है राइट हेयर यू विल सी वन ओशियन करेंट विच मेक्स द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट क्योंकि ओशियन करेंट्स कई तरह की हैं कोल्ड है हॉट है राइट सेकंड है ओशियानिक right? पैरामीटर्स में साइक्लोन्स बिकॉज साइक्लोन्स आर ऑफ डेवलप्ड ओवर द थर्ड पैरामीटर विच इज अगेन रिलेटेड टू दियन इट इज दिनो एल नीनो और इसका रिवर्स ला नीना ला नीना राइट ये ओशियानिक एंड एटमोस्फियर फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है बट वी कैन से इन मोर ऑन ओशियानिक साइड एंड देन नेक्स्ट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच अफेक्ट द्लाइमेट आर एटमोसफियरिक पैरामीटर्स सो एटमोस्फियरिक एटमोस्फियरिक पैरामीटर्स या फिन एटमोस्फेरिक फिनोमिना में क्या क्या है विच अफेक्ट दी क्लाइमेट एंड हियर वी कैन सी दैट की दीज इन इंक्लूड वट सो वट आर दीज पैरामीटर्स वन इज दी जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स विच इज अपर एटमोस्फेरिक एयर सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम्स राइट देन इज air mass there are certain air masses which are localized so air masses which affect and also there are the western disturbances which are nothing but the cyclonic flow which affect the indian climate western disturbances in terms of india i am talking so western disturbances right and अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वन पैरामीटर विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड दैट डेफिनेटली वी शुड स्टडी और वो है पोजिशन ऑफ आई टी सी जेड पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आई टी सी जेड और यह क्या है इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे तो क्लाइमेट को अगर आपको समझना है तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा और बहुत सारे पैरामीटर्स को समझने में आपको किन किन पैरामीटर्स पर पे ध्यान देना है वो मैंने यहां पर बताया है प्लीज आप यहां पर जरा नजर डालिए आई कैन शो यू हियर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट मेरा जो मेन फोकस आज इस वीडियो में है वो यह है टू अंडरस्टैंड दी इंडियन रेनफॉल सिस्टम ट इज नथिंग बट दूनल सिस्टम लेकिन मानसून तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो वेदर एक लोकलाइज फिना है जो डे टू डे या फिर वीक और टेन डेज में चेंज हो सकता है बट एवरेज असेसमेंट ऑफ दी वेदर कंडीशन इज नथिंग बट दी क्लाइमेट एंड दीज एवरेज असेसमेंट में हम क्या क्या करते हैं मैंने बताया आपको टेम्परेचर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन एंड दी प्रेसिपिटेशन वेरिएशन इन तीनों चीजों को अगर हम तीनों चीजों को अगर हमराइज करके हम पढ़ें तो दैट वी कैन कॉल एज क्लाइमेट तो वर्ल्ड में कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक रीजन है राइट सो अभी हमारा फोकस है कि क्लाइमेट में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इंडिया की क्लाइमेट कैसी है रेनफॉल जब यहां होती है तो उसमें क्या पैरामीटर्स उसको इंपैक्ट करते हैं फिर रेनफॉल कैसे होती है ऑनसेट ऑफ मानसून कैसे होता है विड्रॉल कैसे होता है इंटेंसिटी कैसी है किस किस तरह की रेनफॉल होती है वाट आर दी टाइप्स ऑफ दी रेनफॉल ये चीजें तो हम जो आज पढ़ाई करेंगे उसमें एक तो हमें समझना जरूरी है ये आप यहां देखिए जैसे लैटिट्यूडनल पोजिशन और ए डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर देखो इक्वेटर आई आई विल जस्ट शो हियर दैट इज समथिंग आई कैन शो हियर इज कि जैसे ये मान लीजिए अर्थ है राइट एंड दिस इज द इक्वेटर भूमध्य रेखा जीरो डिग्री राइट ना इधर नॉर्थ और साउथ दिस इज दी नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल आपको पता है कि द टेम्परेचर इज हाई एट इक्वेटर एंड टेम्परेचर की नॉर्थ एंड साउथ तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप यहां पर पहुंचेंगे इस पोजिशन पर टेम्परेचर कम हो जाएगा फर्दर कीप ऑन गोइंग की नॉर्थ पोल देन टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इसी तरह से टुअर्ड साउथ भी जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होता जाएगा एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर विल बी फाउंड एट ए सर्टेन लैटिट्यूडनल पोजिशन विच में बी मोर देन फोर्टी फाइव फिफ्टी डिग्री नॉर्थ एंड फिफ्टी डिग्री साउथ उसका रीजन ये है कि इक्टोरियल बेल्ट पर सन की रेज वर्टिकल है राइट तो व्हेन सन रेज आर वर्टिकल द इंसोलेशन इज हाई इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मोर मतलब एरिया कम है जो एनर्जी फॉल होती है वो कम एरिया में फॉल होती है सन रेज इसलिए उसको हीट प्लस रेंज कहते हैं जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो सन रेज बिकम इनक्लाइंड दैट इज वाई देशर बिकम्स लेस एंड लेस एंड लेस तो टेम्परेचर इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द क्लाइमेट द्लाइमेटरेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रेशर हमेशा आप देखोगे कि और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट है अगर बढ़ेगा तो एयर एक्सपेंड होगी एयर एक्सपेंड होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ये कोई क्लोज इन्वायरमेंट नहीं है हां अगर ये क्लोज वैसिल होता और उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन वो Form है, वो दूर भागेंगे और जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हटेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो टेम्परेचर एंड प्रेसर रिलेशनशिप इन दी एयर इज इनवर्स राइट तो जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर का इफेक्ट होगा और इन प्रेशर का वेरिएशन बहुत सारे दूसरे पैरामीटर पर भी डिपेंड करता है कि एयर में वर्टिकल मूवमेंट क्या है डाउन आ रही है एयर या फिर नीचे से उठ के ऊपर जा रही है उसका भी इंपैक्ट आता है प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो टेम्परेचर इस तरह से तो मैंने जैसे बताया कि द फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड हियर एंड दैट वाज़ आप इसको देखिए इक्वेटर हाउ इटेट मतलब कि बेसिक जो है, उसको जीरो डिग्री नॉर्थ इक्वेटर हो गया जीरो डिग्री मीनस इक्वेटर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे जैसे लैटीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसीलिए इनको टेम्परेचर क्वारिनेट भी कहा जाता है सेकेंड की हम बात करते हैं रिलीफ टोपोग्राफी साइज एंड शेप ऑफ लैंड रिलीफ टोपोग्राफी इसलिए इंपैक्ट डालती है क्योंकि वाटर और लैंड के बिहेवियर को अगर आप समझो तो वाटर का बिहेवियर जैसे ओशियन लॉट ऑफ वाटर तो उसमें जब सन रे फॉल होती है तो वाटर रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू हीट क्योंकि उसकी जो लेटेंट हीट होती है लेटेंट हीट का मतलब है कि वन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अगर हम मेजर करें तो अगर उतना ही वॉल्यूम वाटर का ले लो और उतना ही वॉल्यूम आप किसी सॉइल का ले लो सॉइल राइट मिट्टी तो मिट्टी को कम एनर्जी देनी पड़ेगी एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और वाटर को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसलिए इसको लेटेंट हीट के टर्म्स में हम स्टडी कर सकते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ दाटर इज हाई राइट तो जहां वाटर अधिक होगा वहां टेम्परेचर वेरिएशन कम होगा क्योंकि दिन में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी तो वाटर रिक्वायर्स मोर एनर्जी इसलिए ओशियन के किनारे किनारे जो एरिया है जैसे आप इंडिया की बात करो तो आप देख लो चेन्नई का पार्ट है केरला का पार्ट है और मे बी गोवा और मे बी उड़ीसा और मे बी दी वेस्ट बंगाल रीजन जो कोस्टल प्लेसेस हैं वहां पर डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर में वेरिएशन कम है सिंपल रीजन इसका यह है क्योंकि सराउंडेड बाय द वाटर है अगर वाटर सराउंडेड है या आसपास वाटर है एंड वाटर इज इन प्लेंटी। तो वाटर का जो टेम्परेचर वेरिएशन है डे और नाइट में वो कम होता है लेकिन अगर अवे फ्रॉम दी सी चले इंटीरियर पार्ट में चले जाओ जैसे कि आप ना नॉर्थ में आ जाइए 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 यूपी में 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 आ में आ दिल्ली में आ राजस्थान दिल्ली तो इज अवे जाइएंग दी समर एंड नाइट टेम्परेचर फॉल्स डाउन आप राजस्थान में जाइए टेम्परेचर एनमोली आप जब स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड द टेपरेचर ऑफ राजस्थान इन डे इज वेरी हाई मे बी फोर्टी फाइव डिग्री अपू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड

रिलीफ और टोपोग्राफी बहुत इंपैक्ट डालता है टेम्परेचर पर बिकॉज टेम्परेचर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द क्लाइमेट राइट टेंपरेचर इज रिलेटेड टू दी प्रेशर ऑल्सो एंड टेंपरेचर प्रेशर दोनों मिलाकर के रेनफॉल को इफेक्ट करते हैं तो रिलीफ रिलीफ का मतलब कि माउंटेन अगर होंगे तो माउंटेन होंगे तो वहां पर विंड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा राइट right, हाइट अगर ज्यादा है मीन सी लेवल से जैसे हिली एरिया है तो हिल स्टेशन और नॉर्मली लोग विंटर में जाते हैं घूमने के लिए इसीलिए क्योंकि वहां पर हाइट अधिक होती है अल्टीट्यूड हाई है अगर अल्टीट्यूड हाई है तो टेम्परेचर विल भी लेस राइट तो रिलीफ इज अफेक्टिंग द्लाइमेटिक क्लाइमेट ऑफ द इंडिया राइट इसी तरह से हम बात करते हैं थर्ड पैरामीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इन टर्म्स ऑफ द रिलीफ कि जैसे जैसे आप ओशियन से दूर चलते जाओगे टेम्परेचर एनवोली बढ़ती जाएगी मतलब ये विंटर टेम्परेचर समर टेम्परेचर में बहुत डेविएशन होगा प्लस डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होगा साथ में आप ये भी देखोगे कि अगर दीज डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज क्लोज वेरी क्लोज समथिंग लाइक चेन्नई में देख लो आप ना या फिर विशाखापट्टनम देख लीजिए गोवा देख लीजिए तो डे नाइट टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा विंटर समर में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा इवन इन मुंबई यू कैन सी एंड मुंबई टेम्परेचर यू कैन कंपेयर हाउ मच इज 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 डिफरेंट बिकॉज अवे फ्रॉम द सी एंड मुंबई ऑन द कोस्ट ऑफ सी राइट सो दिस इज दर्ड नाउ एल्टीट्यूड और हाइट और प्लानिटरी चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करें ग्लोबल विंड पैटर्न बिकॉज बिना इसके समझे आप एक्चुअली मानसूनल इफेक्ट को नहीं समझ पाएंगे इंडिया का जो मानसून है रेनफॉल है सिस्टम है उसको समझने के लिए हमें प्लेनेटरी विंड का समझना जरूरी है कि हमारे अर्थ सरफेस में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल विंड पैटर्न क्या है तो इसको हम देखेंगे अगर कोई विंड ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है तो लैंड में मॉइस्ट आएंगी और अगर ये हॉट मॉइस्ट विंड्स लैंड की तरफ आती हैं और लैंड कोई बैरियर प्रोवाइड कर देता है जैसे माउंटेन है हिल्स हैं हाइलैंड्स हैं तो वो विंड्स ऊपर अपलिफ्ट होती हैं और जैसे ही ऊपर अपलिफ्ट होती हैं तो वो उनमें कूलिंग होती है क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा लोअर एटमोस्फियर एक लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्पियर कहते हैं ट्रोपोस्पियर में ग्राउंड लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है इसको लैप्स रेट कहा जाता है अराउंड 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट एवरी वन किलोमीटर हाइट कम होता जाता है और जो एटमोस्फियर की जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्पियर विच में हैव हाइट फ्रॉम 8 टू 18 किलोमीटर जैसे पोल के ऊपर 8 किलोमीटर है और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्पियर की हाइट है तो इस पूरे ट्रोपोस्पियर में टेम्परेचर कम होता जाता है एल्टीट्यूड के साथ और इसी रेंज में मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स गैसेस वाटर पेपर एंड मोस्ट ऑफ दवी पार्टिकल्स हैवी आर प्रेजेंट तो हम जो एनवायरमेंट की बात करते हैं एटमोस्फियर की बात करते हैं प्राइमरली दैट इज बीइंग कन्फाइंड इन एट दिसर तो एल्टीट्यूड डेफिनेटली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल तो लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड दोनों ऊपर जाते हैं बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है फिर हम तो एक तो हम इस पर थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इसलिए मैंने इसको प्लेनेटरी इवेंट्स को अभी अलग से मार्क करके रखा हुआ है ओशियानिक फिनोमिना में क्लाइमेट रेनफॉल या फिर मानसून को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे लोकल पैरामीटर्स भी हैं जो रेनफॉल में वो फर्क डालते हैं देर आर सेवरल पैरामीटर्स इन इंडिया पोजीशन ऑफ द माउंटेन्स कैसी है विंड का डायरेक्शन क्या है लैंड का सेप कैसा है हाइट कैसी है ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है फिजिकल वैरियर्स क्या है फिर लोकल वेदर फिनोमेना क्या है फिर देयर में भी जो ओशियन करेंट्स का इन्फ्लुएंस है बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फर्क डालते हैं ओशियन फिनोमिना में ओशियनिक पैरामीटर्स में एक तो ओशियन करेंट का इम्पैक्ट आता है इसको समझना जरूरी है साइक्लोन्स क्लाइमेट या रेनफॉल को अफेक्ट करते हैं एलिनो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आप इसको हम मैं चाहूंगा कि इस पर भी एक लेक्चर लू एलिनो पर और पूरी तरह से एक्सप्लेन करूं कि जो पैसिफिक ओशियन का जो पेरू कोस्ट है राइट साउथ अमेरिका का जो पेरू और चिली वाला जो कोस्टल एरिया है यूजुअली वहां पर जो ओशियन करंट का फ्लो होता है वो होता है कोल्ड करंट राइट पेरूवियन करंट कहते हैं लेकिन कभी कभी इन ए इंटरवल ऑफ थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर कोई सर्टेन साइकिल फिक्स नहीं है बट इन थ्री टू फाइव ईयर वो ओशियन करंट रिवर्स हो जाती है और वहां पे वार्म करंट आ जाती है वो जो रिवर्सल ऑफ वार्म करंट होती है उसका रीजन है वो वाकर सर्कुलेशन है एटमोस्फेरिक फिनोमेना मुझे उम्मीद है कि आपको इस समय थोड़ा टफ लग रहा होगा तो आई होप दैट कि आई विल एक्सप्लेन इन ए बेटर वे बाय सेपरेट सेशन टेकिंग ऑन दी एलिनो एंड लानिना तो इस पर मैं आऊंगा क्योंकि तो ये इंडियन मानसून को ही नहीं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को फेक्ट करती है और खास करके यूनाइटेड स्टेट में तो इसकी वजह से कई बार बाढ़ आ जाती है और एशियन कंट्रीज में तो एलिनो की वजह से कई बार ड्रॉट कंडीशन है तो इसके इंपैक्ट क्या है हमारी कंट्री के लिए इसका क्या इफेक्ट है वी विल स्टडी सेपरेटली दिस राइट तो ये है इसमें से जो ज्यादा समझने वाला है ये एलिनो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली मेन्स में भी आ जाते हैं सिविल सर्विसेस में और कई जगह भी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे फिर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि प्लेनेटरी विंड्स प्लेनेट का मतलब है कि अर्थ सरफेस की मतलब जो लोअर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो तो ये है लेकिन अपर एटमोस्फेयर एक सर्कुलेशन है वहां पर जेट स्ट्रीम्स है तो इसको भी समझा जा सकता है क्योंकि जो इंडिया में विंटर में रेन होती है स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी एंड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर पंजाब नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया यहां पर जो रेन होती है उसमें जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस का इंपैक्ट है राइट right? तो इनके दोनों के इफेक्ट को समझने के लिए ये हमें कुछ एटमोस्फेरिक फिनोमिना भी पता होना चाहिए देन ग्रेजुअली इन दी कमिंग सेशन आई विल टेक ए सेशन ऑन देट स्ट्रीम एंड दर्न डिस्टर्बेंस ऑल्सो राइट फिर हम एयर मास की जो बात कर रहे हैं जब भी कभी हीटिंग होती है तो कोई पर्टिकुलर पार्सल ऑफ एयर ट मे स्टार्ट राइजिंग अप और ऊपर जाकर के कूल cool हो जाए ठंडा हो जाए रेन में कन्वर्ट हो जाए कन्वेक्शनल रेन दे दे तो इसका भी इफेक्ट होता है एयर मास कन्वेक्शनल रेन ऑफ एनपनिंग बिकॉज ऑफ द कुलिंग ऑफ दर्टिकुलर एयर मास वेन इट इज गोइंग एंड मूविंग अप राइट फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंडिया की जब हम रेनफॉल में आएंगे तब हम देखेंगे कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या है ये एक हॉट बाउंड्री uh, है जहां पर दोनों साइड से एयर कन्वर्ज con होती है एंड दिस अगेन वी विल स्टडी इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर इट इज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर इट मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर तो ये इसकी पोजीशन फ्लक्चुएट करती है सन की पोजीशन के साथ ये फ्लक्चुएट करती है तो ये भी आपको समझना जरूरी है तो इसमें से बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे इंडियन क्लाइमेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं जब तक आप कुछ मेन मेन पैरामीटर्स नहीं समझ लेंगे तब तक आपको इंडियन मानसून समझने में आसानी नहीं होगी तो मेरा मानना है कि एक तो हमें समझना चाहिए प्लेनेटरी इज मस्ट और दूसरा हमें समझना चाहिए टाइप ऑफ रेनफॉल्स क्योंकि टाइप ऑफ रेनफॉल्स में से कौन सा टाइप है जो हमारे इंडिया में होता है क्या ये कन्वेक्शनल रेन है क्या ये फ्रंटल रेन है क्या ये साइक्लोनिक रेन है क्या ये ओरोग्राफिक रेन है या फिर कोई और मैकेनिज्म है जो रेन इंडिया में कराती है तो हमें दो चीज इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि टाइप ऑफ रेनफॉल्स कौन कौन सी हैं, विंड्स का सर्कुलेशन क्या है और अपर एटमोस्फेरिक विंड्स का सर्कुलेशन क्या है इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडियन मानसून मैकेनिज्म कैसी है और इंडियन मानसून को और अच्छे से समझना है डीपली समझना है तो आपको ओशियन करेंट्स की नॉलेज एलिनो की खास करके नॉलेज जेट स्ट्रीम्स की नॉलेज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नॉलेज भी होना जरूरी है मैं वीडियोस का साइज थोड़ा छोटा रखना चाह रहा हूं तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही अब मैं सेकेंड वीडियो में जो अब एक्सप्लेन करूंगा कि प्लैनेटरी विंड्स क्या है प्लैनेटरी विंड्स को स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए प्लानटरी विंड्स अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अपर एटमोस्फेयर एयर सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा और लोअर एटमोस्फेर एयर सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून साथ में हम बात करेंगे कि रेनफॉल के पैटर्न क्या क्या है क्योंकि इंडिया के रेनफॉल के पैटर्न को समझने के लिए हमें टाइप ऑफ रेनफॉल भी समझना है तो ये दोनों चीजें मैं अपने सेकेंड वीडियो में कवर करूंगा फिर मैं उसके बाद सीक्वेंस ऑफ वीडियो में जेट स्ट्रीम्स को एक्सप्लेन करूंगा एलनिनो का एक्सप्लेन करूंगा जो एयर मासेस का इंपैक्ट है वो फिर उसके बाद हम जाएंगे इंडियन रेनफॉल पैटर्न सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इंटेंसिटी फिर साइक्लोन्स एंड ऑल थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड तो अभी हम फिर हम बात करते हैं इतना ही आज तो जय हिंद आई होप दैट यू ऑल विल बी सेफ एंड सिक्योर एट योर होम